महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी है। वहीं मगढ़ाने सीट की बात करें तो यहां पर शिवसेना के प्रकाश सुर्वे और मनसे के उम्मीदवार नयन कदम के बीच टक्कर देखने को मिल रही है। पिछले 5 साल में मगढ़ाने का क्या विकास हुआ है, ये सवाल कदम ने पूछा है। साथ ही मुंबई जैसे शहर में आज भी मगढ़ाने की जनता बिजली के लिए तरस रही है, इसका जिम्मेदार भी कदम ने सुर्वे को ठहराया है। साथ ही कदम ने बताया कि जनता अब बदलाव चाहती है और जो जनता का काम करेगा जनता उसे ही चुनेगी। चाचा डोर टू डोर प्रचार चलेगा, घर घर में जाके, फिर मेन मेन चौक रहते वहाँ पे चौक सभा होगी हमारी। कैसा है यहाँ पे बहुत सारी समस्या जो 40 साल से चल रही है वही समस्या चल रही है। मैं ऐसा घर टू घर एक मेरा राउंड हो गया है, मैं घूम रहा हूँ पहले से, तो जो दिख रहा है यहाँ के आदिवासी पाड़े है अभी भी टॉयलेट, वहाँ पे लाइट नहीं है, वहाँ पे पानी की समस्या है, घर पे जाने के लिए जो वे रहता है रोड अभी भी वहाँ पे बना नहीं है। जो बोलते कि घर घर शौच शौच जहाँ शौच वहाँ शौचालय, अभी तक यहाँ पे कहाँ पे भी इसकी सोई नहीं है। लाइट की मुंबई में रह के भी लोगों को अभी लाइट नहीं मिल रही है, या ये आप भारत एक प्रगति पे जा रहा है ऐसा बोल रहे हैं और मुंबई में रह के लाइट नहीं है, पानी नहीं आ रहा है, ये तकलीफ है आप लोगों को। बड़ी बड़ी सोसाइटियाँ है वहाँ के, उनके कन्वेंस के प्रॉब्लम्स है, उनको छोटे छोटे पेवर ब्लॉक यहाँ बड़ी समस्या। ये शांतिवन का एरिया है हमारा, शांतिवन अशोकवन काजू पड़ा, 2 बड़ी बैंक बंद हो गई है, एक सिटी बैंक और एक PMC बैंक। अभी वही बात पे हमसे झगड़ा करें मतलब हमारे पास वो पॉइंट लेके आ रहे हैं हमारा पैसा कभी मिलेगा। अगर रिजर्व बैंक, जो रिजर्व बैंक हम बोलते हैं, रिजर्व बैंक से कर्जा निकाल के देश चल रहा है, तो ये गरीब आदमियों का, मध्यम वर्गीय जो यहाँ पे मेंटेलिटी है, जो लोकेलिटी है, इनका पैसा बैंक में पड़ा है, वो पड़ा हुआ पैसा कब मिलेगा? कब सिटी बैंक में 6 महीने में 1000 रुपये मिल रहे हैं और PMC बैंक में इलेक्शन है करके 6 महीने में 1000 का 10000 किया 10000 का 25000 किया, लेकिन फिगर उतने में होने वाली नहीं है। 20-20 लाख 50 लाख 10 लाख लोगों के पड़े हैं, उसके ऊपर उनका गुजारा हो रहा है, उसके इंटरेस्ट के ऊपर। अगर ये परिस्थिति रहेगी तो उनका घर चलना आगे चल के बहुत मुश्किल हो जाएगा। सामने वाली बिल्डिंग का तो नवरात्रि का फंड उसके अंदर है, सोसाइटी फंड। अभी वो कैसे बोलते हम मूर्ति कैसे लाए, हम हमारे पैसे से लेके आए। और ये अगर रहेगा, सिटी बैंक के चेयरमैन शिवसेना के अड़सूल साहब जो MP है, और PMC के चेयरमैन तारा सिंह जी जो BJP के MP है, लोगों को करने का क्या? डायरेक्टर चेयरमैन जो है वो इनकी ही पूरी लॉबी बैठी है। यूनियन दोनों बैंक के अंदर यूनियन है वो शिवसेना की है, और यहाँ पे स्थानिक विधायक प्रकाश सुर्वे शिवसेना के हैं। जाके मैं तुम्हारा काम हो जाएगा ऐसा हाथ घुमा रहे प्यार से, काम कब होगा? उनके हाथ में है क्या? अगर काम होना है तो रास्ते पे उतर के आंदोलन करना पड़ेगा, मैं तैयार हूँ आंदोलन करने के लिए। एक टाइम वो हारे हुए हैं, राष्ट्रवादी से खड़े रह गए तो भी हारे हुए, अभी शिवसेना से खड़े रह गए तो जीत गए। लेकिन ये टाइम पे युति की जो चढ़ाई चल रही थी, लड़ाई जो, तो उसमें से BJP को टिकट छूटने का दिख रहा था। यहाँ पे प्रवीण दरेकर जी लड़ने वाले थे, लेकिन प्रवीण दरेकर को टिकट मिलेगा तो ये जो विधायक थे शिवसेना के, वो गठबंधन तोड़ने तैयार हो गए थे, शिवबंधन, शिवसेना छोड़ के वापिस राष्ट्रवादी में जाने को तैयार थे। तो ये काहे के स्ट्रांग है? रास्ते पे काम करो और स्ट्रांग बनो ना। तो वो तो देखो, शिवसेना, मनसे, कांग्रेस, राष्ट्रवादी, BJP सब पार्टियां लड़ती रहती है, फिर जो पार्टी काम करती है उसको वोट दिया जाता है, उसके बाद में जो इंडिविजुअल आदमी देखा जाता है कि 2 उम्मीदवार यहाँ पे शिवसेना, मनसे और 8-9 अपक्ष खड़े हैं, तो उसमें से 2 उम्मीदवार को देखेंगे, कंपेयर करेंगे। मैंने चैलेंज किया है, बहुत टाइम में चैलेंज किया है, सोसाइटी में बोला भी है कि आप हम दोनों को लेटर दीजिए और दोनों को सामने खड़ा कीजिए, कंपेयर करो नयन कदम प्रकाश सुर्वे। एक विधायक रह चुके 5 साल, उन्होंने क्या किया है? मैं कोरा आदमी हूँ, मेरे को काम करने को चांस चाहिए, मैं काम करूँगा। दोनों को सामने एक प्लेटफॉर्म पर खड़ा करो, इंटरव्यू करो, आपके सवाल पूछो, हम जवाब देंगे। मैं यहाँ पे पला बड़ा हूँ, काजूपाड़ा, देवीपाड़ा, डाटापोर, ठाकुर कॉम्प्लेक्स विलेज, ठाकुर विलेज, ये अपना अशोकवन, ये सब एरिया में मैं बचपन से क्रिकेट खेल के बड़ा हुआ हूँ। तो ये दोस्ती खाता, दोस्ती यारी, प्यार मोहब्बत सबसे है, सब पार्टी में है। उनको ये भी मालूम है, दोनों में कंपेरिजन करेंगे तो कौन अच्छा कौन बुरा। जनता इतनी तो समझदार है, 5 साल देखे रो रही है अभी,
सब बोल रहे दिखते ही नहीं है, ये तो सबकी मतलब एमपी हो जाए, एमएलए हो जाए या नगर सेवक हो जाए, ये सब सब इलेक्शन के अंदर यही एक चिलम चिल्ली रहती है कि हमको कोई राजनीति का दिखता नहीं है, वोट मांगने आते हैं वापस दिखता नहीं। मेरा आपको एक बहुत बड़ा एक आश्वासन, मतलब आपको चैलेंज कर रहा हूँ मैं कि अगर उन्होंने काम नहीं किया तो आपको वोट बदली करना ज़रूरी है। दो पार्टी बड़ी काम यहाँ पे लड़ रही है, उन्होंने काम नहीं किया तो आपको वोट बदली करना ज़रूरी है। आप मेरे पीछे खड़े हो जाइए, मैं रास्ते पे आपके साथ में खड़ा रहूँगा। अगर कहाँ पे मेरे से गलती होती है, मतलब मैं जीत गया और मेरे से गलती होती है, मैं अगर नालायक साबित हुआ तो आप मुझे वोट मत करना।